हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ रुचि, यू आर हिंदी टीचर। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पाठ 4, जिसका नाम है झूठा बहाना। तो चलिए सबसे पहले हम इसके कठिन शब्द पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला है बहाना, बिस्तर, दर्द, सबक, इंजेक्शन। इस कहानी में बताया गया है कि एक माँ ने अपने बेटे की बहाने बनाने की आदत को बड़ी समझदारी से दूर किया है। तो चलिए इस पाठ को हम पढ़ते हैं। आयुष का मन केवल खेलने में ही लगता था। किसमें लगता था? खेलने में। उसे विद्यालय जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, विद्यालय मतलब स्कूल। वह कोई ना कोई बहाना बनाकर घर पर ही रहना चाहता था। आज भी वह घर पर ही रहना चाहता था, इसलिए वह चुपचाप बिस्तर में लेटा रहा। उसकी माँ उसे उठाने आई। माँ, आज मेरे पेट में बहुत दर्द है। किसने कहा? आयुष ने। मुझसे हिला भी नहीं जा रहा है, मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा। किसने कहा? आयुष ने अपनी माँ से कहा। उसने पेट पकड़कर पेट दर्द का बहाना बनाया। माँ समझ गई। उन्होंने आयुष को सबक सिखाने का फैसला किया। उन्होंने आयुष के पिताजी को बुलाकर कहा, देखिए। किससे कहा? आयुष के पिताजी से कहा कि देखिए, आयुष के पेट में बहुत दर्द है, आप तुरंत डॉक्टर को बुलाइए। तुरंत मतलब जल्दी। पिताजी ने आयुष से कहा, बेटा चिंता मत करो, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। इतना कहकर वे चले गए। थोड़ी देर बाद वे डॉक्टर को साथ लेकर आए। डॉक्टर ने आयुष का पेट छूकर देखा और कहा, मैं अभी इसे इंजेक्शन लगा देता हूँ, थोड़ी देर में ही आराम आ जाएगा। आज दिन भर इसे खाने के लिए कुछ मत देना। इंजेक्शन का नाम सुनते ही आयुष का रंग उड़ गया। दिन भर भूखे रहने की बात सुनकर तो वह घबरा ही गया। उसने बिस्तर से उठते हुए कहा, डॉक्टर अंकल, मेरा पेट दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है, मैं अब विद्यालय चला जाऊंगा। इतना कहकर आयुष बिस्तर से उतरकर विद्यालय भाग गया। उसकी माँ, पिताजी और डॉक्टर मुस्कुराने लगे। तो शिक्षा संकेत, बच्चों को बहाना न बनाने के लिए प्रेरित कीजिए, ताकि उन्हें किसी की भी नजरों में शर्मिंदा ना होना पड़े। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें झूठा बहाना कभी भी नहीं बनाना चाहिए। अब हम इसके शब्द अर्थ करेंगे। विद्यालय, विद्यालय का मतलब होता है पाठशाला, स्कूल। बिस्तर, बिछावन। दर्द, तकलीफ। तुरंत, उसी समय या शीघ्र। चिंता, सोच में डूबना या फिक्र। रंग उड़ गया मतलब घबरा गया। तो चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। आयुष का मन किस में लगता था? खेलने में। ये मौखिक है। आयुष को क्या अच्छा नहीं लगता था? विद्यालय जाना। आयुष का रंग क्यों उड़ गया? क्योंकि डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगाने के लिए कहा। लिखित है, सही उत्तर पर सही लगाइए। बहुविकल्पीय प्रश्न। आयुष को पसंद था पढ़ना, खेलना, टीवी देखना। क्या पसंद था आयुष को? खेलना। आयुष ने बहाना बनाया पेट दर्द का, पैर दर्द का, सिर दर्द का। किसका बहाना बनाया था आयुष ने? पेट दर्द का। भूखे रहने की बात सुनकर आयुष रोने लगा, चिल्लाने लगा या घबरा गया। तो भूखे रहने की बात सुनकर आयुष क्या हो गया था? घबरा गया था। रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। पहला है, आयुष बहाना बनाकर घर पर ही रहना चाहता था। दूसरा है, आयुष की माँ ने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। डॉक्टर ने आयुष का पेट छूकर देखा। इंजेक्शन का नाम सुनते ही आयुष का रंग उड़ गया। तीसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, आयुष ने विद्यालय न जाने के लिए क्या बहाना बनाया? तो इसका उत्तर है, आयुष ने विद्यालय न जाने के लिए पेट दर्द का बहाना बनाया। किसका बहाना बनाया था? पेट दर्द का। सेकेंड है, पिताजी ने आयुष से क्या कहा? तो पिताजी ने आयुष से क्या कहा था? कि पिताजी ने आयुष से कहा, बेटा चिंता मत करो। क्या कहा था? बेटा चिंता मत करो। तीसरा है, डॉक्टर ने आयुष से क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कि मैं अभी इंजेक्शन लगा देता हूँ, थोड़ी देर में आराम आ जाएगा। चौथा है, आयुष की माँ, पिताजी और डॉक्टर क्यों मुस्कुराने लगे? क्योंकि आयुष ने कहा कि मेरा पेट दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है, मैं अब विद्यालय चला जाऊंगा। इतना कहकर आयुष बिस्तर से उठकर विद्यालय भाग गया। भाषा ज्ञान। पहला है, वाक्य बनाइए। विद्यालय, विद्यालय से कौन सा वाक्य बनेगा?
उसे विद्यालय जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। बिस्तर वह चुपचाप बिस्तर में लेटा रहा। डॉक्टर, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। चिंता चिंता मत करो। इंजेक्शन, मैं अभी इसे इंजेक्शन लगा देता हूँ। बताइए, सेकंड है, बताइए। पहला, जो हमारा इलाज करे उसको क्या कहते हैं? डॉक्टर। जो हमें पढ़ाए उसे टीचर। जो हमारे लिए फसल उगाए उसे हम क्या कहेंगे? किसान। जो हमारे कपड़ों की सिलाई करे वो क्या कहलाता है? दर्जी। सो स्टूडेंट, पार्ट 4 हो गया है कंप्लीट। आप इसकी एक्सरसाइज अपनी कॉपी में कंप्लीट कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।